बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत होंगे, अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। तो जी, आपको जो नज़र आ रहा है वो है ज़बरदस्त सूप, जी हाँ, सर्दियों की सौगात। और माशाल्लाह से फर्स्ट टाइम इस सर्दियों में हमारे यहाँ सूप बन चुका है और बहुत अर्जेंटली बना, इसलिए मैं इसकी रेसिपी नहीं बना सकी। वही हूँ कि इफ्रा के आने का हो गया था और सब काफ़ी दिनों से सूप का कह रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है सूप बना लेते हैं। तो बस ये था कि मैंने सब तैयारी करके रखी और जैसे ही इफ्रा आ गई थी तो उसके 10 से 15 मिनट के अंदर मैंने वो सर्व कर दिया था, क्योंकि सब चीज़ें रेडी थी इसलिए मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। तो माशाल्लाह से मैंने जब सूप लगाया सबके लिए तो सबने बड़े शौक से खाया और मैंने फ़ोन करके इकरा को ही बुला लिया था, क्योंकि यही होता है कि जब मैं सूप बनाती हूँ तो इन लोग को बुला लेती हूँ, क्योंकि ये लोग अकेले अकेले घर में होते हैं तो ये लोग खुद से नहीं बनाते। तो फिर ये होता है कि मैं इकट्ठा एक दफ़ा बना के और सब हम लोग इन्जॉय करते हैं। सब ये सूप ऐसी चीज़ है जब तक के सब साथ में बैठ के खाएँ ना या पिए ना इसे। अब आप लोग बताएं इसे खाया जाता है या पिया जाता है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती। बहरहाल ये है कि चम्मच से खाया जाता है, तो इसमें तो यही कहती हूँ कि सूप खा लो, वह सूप पिया जाता है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये था, सबको सूप बहुत मज़ा आया था। जिसको अगर मसाले की ज़रूरत पड़ रही थी सॉस वगैरह डालने की तो वो भी डाल रहे थे। तो इधर जो आए थी वो जो दूध पी रही थी और मैंने भी अपने लिए सूप लिया था। मैंने इसे बना के दिल भर जाते, इतने ज़्यादा नहीं लिया जाता। तो ये हुआ कि इसके बाद फातिमा भी आ गई थी, लेकिन फातिमा अंगूर खाने में मसरूफ़ थी, उसको अभी सूप का जायका नहीं लगा था इसलिए उसने सूप नहीं लिया, वो सिर्फ अंगूर खाती रही। तो इसलिए मैंने उसको सूप नहीं दिया, मैंने कहा चल अंगूर इंजॉय कर रही है वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो माशाल्लाह फातिमा एक तरफ बैठ के जो थी वो अंगूर खा रही थी और बाकी बच्चे सूप पी रहे थे। तो जी ये सूप इस वक्त ख़त्म हो चुका था, मुझे शाम की करनी थी तैयारी। तो जिन लोग मेरे दोपहर में ही भिंडी काट के रख दी थी और मुझे आज बनानी थी भिंडी मसालेदार, बहुत मज़े की। और इधर देखें आया तो फातिमा जो है मज़े कर रही है, खूब इंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह से बच्चे जब एक साथ जमा हो जाते हैं तो घर में वो शोर शराबा होता है। अगर मैं इसकी असल ऑडियो क्लिप आपको सुनाती तो आप कहते कि तो मछली घर लग रहा है। माशाल्लाह सब बच्चे एक साथ होते हैं तो बहुत हंगामा, बहुत शोर होता है। तो चलिए चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। जी हाँ, आज मैं आपको जो रेसिपी देने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की भिंडी, मसाले वाली भिंडी, फ्राई भिंडी जिसे कह लें, और कढ़ाई भिंडी वाला हिसाब किताब है। तो इसकी जो चीज़ें चाहिए वो आपके सामने है। मैंने भिंडी काट, तकरीबन 1.5 किलो भिंडी थी वो मैंने धो के काट ली थी। उसके अलावा मसाला था इसमें, लहसुन था, लाल साबुत मिर्ची, ज़ीरा, हल्दी और नमक था। इसके अलावा मैंने प्याज अलग से काटी थी, तकरीबन 1 पाव प्याज थी साबुत वो मैंने काट ली थी, और 2 से 3 टमाटर जो थे मैंने कद्दूकश कर लिए थे। ये तो ये सब चीज़ें थी जो भिंडी के लिए चाहिए थी। तो जी मैंने भिंडी के लिए जो है कढ़ाई का इंतखाब किया था, क्योंकि जब तक खुले बर्तन में भिंडी नहीं बनती तो भिंडी यानी कि समझ लो अगर बंद बर्तन में बनाएंगे तो घुट जाएगी और लेस वाली हो जाएंगी। तो इसलिए ये होता है कि मैं इसको हमेशा जो है खुले बर्तन में बनाती हूँ। कढ़ाई सबसे अच्छी चीज़ है, तो और मैं भिंडी हो, कोफ्ते हों, इस तरह की चीज़ें हमेशा जो है कढ़ाई में बनाती हूँ। यहाँ मैंने तेल डाल दिया था, तेल गर्म हुआ तो उसके साथ मैंने इसमें शामिल कर दी लाल साबुत मिर्चें। जी हाँ, इसमें कुटी हुई मिर्ची या पिसी हुई मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करती, इसमें लाल साबुत मिर्ची होती हैं। और इसके साथ ही ज़ीरा डाल दिया था और जो लहसुन मैंने चॉप करके रखा था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। अच्छा, इसमें पिसा हुआ अदरक लहसुन भी मैंने यही डालती है, मैं हमेशा चॉप करके डालती हूँ क्योंकि इसका एक अपना ही अलग ज़ायका होता है और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो आप लोग भी इस तरीके से भिंडी को पका के देखिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े की बनेगी, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। और कहते हैं ना कि चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से बनाना चाहिए, तो मैं भी हमेशा यही करती हूँ कि अलग अलग तरीके से थोड़ा सा उसके अंदर क्रिएशन करती रहती हूँ ताकि चीज़ें अलग हटके बने। तो जी इस वक्त मैंने शामिल कर दी थी इसमें प्याज। जी प्याज जो है बहुत ज़्यादा पिंक या ब्राउन नहीं, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है हमने, सिर्फ जो है इसको पिंक करना है। ये देखें प्याज जो है मेरी पिंक हो चुकी थी, तो इसमें मैंने अब शामिल कर देना थे टमाटर। और इसको तेज़ आंच से ही भूनना था क्योंकि टमाटर में पानी होता है, वो पानी जल्द से जल्द जो है खुश्क हो जाए। और इत्तेफाक़ देखिए कि इस वक्त जो थी हमारी गैस हो चुकी थी कम, लेकिन ये था कि मैंने फिर भी तेज़ आंच से आँच ही रखी, आधी आँच आ रही थी मैंने उसी पर, मैंने कहा जल्द से जल्दी हो जाए तो मैंने बस वो डाल दिया था। और इसके साथ मैंने इसमें शामिल कर दी थी हल्दी और नमक ताकि ये सब चीज़ें यकजान हो जाती हैं, और जब इसमें भिंडी डालने का टाइम होता तो ये अच्छी तरीके से भून चुकी होती। अच्छा, यहाँ मैं हरी मिर्चें काटना भूल गई थी बच्चों के चक्कर में, तो फिर मैंने हरी मिर्चें काट के वो भी इसमें शामिल कर दी। लाल साबुत मिर्चें और हरी मिर्चों का इस्तेमाल मैंने किया था जिससे तीखापन ज़्यादा से अच्छा आया था। तो ये सब चीज़ डाल के मैंने मसाले को तेज़ आंच से ही भूना था। मसाला जितना अच्छा भुनेगा और खुश्क रहेगा उतनी ही अच्छी आपकी भिंडी बनेगी, इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है।
और सब्ज़ी हमेशा जो होती है अपने ही पानी के अंदर जो होती है दम पे आ जाती है, बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, टमाटर का पानी खुश होने के बाद मैंने इसमें जो होती भिंडी शामिल कर दी थी। और अच्छा, भिंडी को इस टाइम पे आके मैंने तेज़ आँच से ही भुनना है और उसको ढकना बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं ढकना, वरना ये भिंडी जो है बिल्कुल गल जाती है और अजीब सा, वो कहते हैं कि भरता टाइप का बन जाता है, लेस वाली भिंडी हो जाती। तो यहाँ हमको ढकना नहीं है बिल्कुल भी, तेज़ आँच से ही इसको फ्राई करना है और वक्त वक्त से इसमें चम्मच चलाते रहना है। तो जी हाँ, भिंडी डाल के मैं भून रही थी और गैस इस वक्त काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। तो जी बस यही गलती हो रही थी कि बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि गैस कम हो गई है, लेकिन बहरहाल अभी तो इसी में गुजारा कर रहा था क्योंकि सिलेंडर में हमारे गैस नहीं थी, वरना मैं सिलेंडर पे ही इसको बना लेती। तो बहरहाल ये है कि यहाँ पर मैंने इस वक्त जो इसमें है अदरक को बारीक बारीक काटा था वो भी इसमें डाल दिया था। इसके बाद जो थी भिंडी देखे बिल्कुल जो खुश्क हो चुकी थी तेज़ आँच से फ्राई करते हुए। अब मैंने इसको यहाँ पर जो था मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको ढक के रखूँगी ताकि जो इसमें थोड़ा बहुत खड़ापन है, कच्चापन है, वो यानी कि सही तरह से इसके अंदर भिंडी गल जाए और कच्चापन यानी कि कच्ची ना रहे, जिसे कहते हैं कच्चापन, वो ना रहे। अच्छा, भिंडी को मैंने थोड़ा सा दम पे लगा दिया था और दूसरी तरफ मैंने कहा भी थोड़ा टाइम है तो फिर आटा गूँध लूँ। मैंने फटाफट जल्दी से आटा निकाला और उसे जो है मैंने गूँधना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं थोड़ी सी देर के लिए किचन से जाती और फिर बाथरूम में लग जाती तो शायद मेरी भिंडी जो थी वो नीचे से लग जाती, तो इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा। बाकी सब कमरे में लोग बैठे हुए ऐसे मजाक कर रहे थे और यहाँ से मैं बातों का इन लोग के जवाब भी दे रही थी, बातें भी हो रही थी उन लोग के साथ साथ। तो जी आटा मेरा गूँध चुका था और मैंने आटे को भी ताकि आटे को जल्दी इसलिए गूँधा का धोजा ठहर जाता था, रोटियाँ सही बन जाती हैं। तो जी यहाँ देखिए भिंडी मेरी बिल्कुल गल चुकी है और अब जो असल इसकी चीज़ है वो मैं आपको दिखाती हूँ, जिससे कि इसका नाम भिंडी कढ़ाई मैंने रखा और क्योंकि मैंने जो था एक कोयले को अलग कर चूल्हे पर धका लिया था और उसको जो है मैंने उसके अंदर भिंडी के अंदर स्मोक दिया। यहाँ कोयला मेरा पूरी तरह नहीं देखा था क्योंकि गैस बहुत कम थी, बादल काफ़ी हद तक दहक गया था, तो मैंने उसको रख के उसको धुआं दिया था क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था, मैंने इसलिए ज़्यादा इंतज़ाम नहीं किया। तकरीबन 9:30 का टाइम था तो खाने का टाइम भी हो रहा था और बच्चे भूख भूख कर रहे थे, तो मैंने बस जल्द से जल्द जो था कोयले को उस पर रोटी का टुकड़ा रख के उस पर रख के और भिंडी को स्मोक दे दिया, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा, बहुत मज़े का और यकीन करें बहुत ही टेस्टी बनी ये भिंडी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो मैंने 5 से 7 मिनट जो है इसको दम पे दे दिया था और ये देखें माशाल्लाह से इस वक्त स्मोक दिल चुका है और बाकी मैंने अब ये चीज़ें दोनों हटा दी इसके ऊपर से और मेरी जो है मज़ेदार सी भिंडी जो थी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। ये देखें माशाल्लाह से एक दाना खिला हुआ है और कोई भी भिंडी ऐसी नहीं है जिससे कहें कि बिल्कुल घुट जाती है, वो चीज़ बिल्कुल नहीं रही थी। इसे बहुत से लोग फ्राई भिंडी भी कहते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें मेरी भिंडी जो थी मैंने रिशॉर्ट कर दी थी और बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। अब हमने लगाना था खाना। जी हाँ, खाने का टाइम हो चुका था तो मैं दस्तरखान पर लोगों से बोला जल्द से जल्द दस्तरखान लगाओ, तो सब बच्चे जो थे दस्तरखान पर बैठ गए थे और खाने खिलाया जा रहा था। एकदम मानी होती है जन्नत को और ईशाल को खाना खिला रही थी क्योंकि ये ड्यूटी इसी की होती है, इसके अलावा लोग किसी से भी खाना नहीं खाते। अच्छा, बिश्रा की तरफ से जो था बिरयानी भी आई थी तो बिरयानी भी हम लोगों ने सर्व कर ली थी, यानी सब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, जो जिससे दूर दूर बैठे हुए थे उनको प्लेटों में दे दिया था और माशाल्लाह से सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे, वो सबको बहुत ही पसंद आई थी। और इकरा को मेरे हाथ की भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कहने की मम्मा बहुत मज़े की भिंडी बनी है, तो आप लोग भी इस तरह की भिंडी तैयार करके देखें, इसलिए बहुत पसंद आएगी। तो अब क्या हम लोग खाने से हो चुके थे फारिग और फातिमा जो एक कोने बैठ के इंजॉय कर रही थी, वो अपनी मम्मा के हाथ से खाना खा रही थी, सिर्फ चावल खा रही थी वो, और किसी के बच्चे के साथ नहीं बैठी थी, वो अकेली ही बैठी हुई खेल रही थी और उसकी मम्मा जो थी उसे खाना खिला रही थी। तो यहाँ जो हो चुके थे तकरीबन रात के 11:30 जिस वक्त हम लोग बातों में मसरूफ़ थे। तो जी इस वक्त मैं अब करूँगी व्लॉग को अपने एंड, काफ़ी टाइम हो चुका था, अब मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त इंशाल्लाह ताला। आप लोग दुआ में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को अगर पसंद करते हैं लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।